12 मार्च को क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चार देशों के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्वाड आखिर है क्या। क्वाड का अर्थ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। मूल तौर पे ये इंडो पैसिफिक स्तर पर काम करता है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसानी से किया जा सके, लेकिन अब ये व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति का संतुलन बनाए रखा जा सके। साल 2007 में एशिया प्रशांत महासागर में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पड़ोसी देशों को धमकाने लगा था और समुद्र सैन्य बेस लगाकर लगातार वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। ये देखते हुए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसा संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें इस सामुदायिक क्षेत्र में आने वाले ताकतवर देश शामिल हो सके। आखिरकार संगठन बना, जिसकी पहली मीटिंग साल 2019 में हुई। इसके बाद कोरोना के कारण साल 2020 में नेताओं की मुलाकात बाधित हुई, लेकिन इस बार यानी 2021 में इसे वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। यह भारत के लिए क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब यह है कि चीन बीते दो दशकों में लगातार समुद्र में अपना सैन्य बेस से लेकर व्यापार भी तेजी से बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ये समझ चुका है कि आने वाले समय में समुद्र पर राज करने वाला देश ही दुनिया पर राज करेगा। यही कारण है कि साउथ चाइना सी पर भी कब्जे के लिए उसने मुहिम छेड़ रखी है। साथ ही साथ वो समुद्र में नकली द्वीप बनाकर वहां अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, यानी ये पूरी तैयारी है कि भविष्य में समुद्र पर उसका कब्जा हो जाए। इसी खतरे को भांपते हुए क्वाड ने अपनी रणनीति में क्वाड देशों को सामुद्रिक सहायता देने के अलावा समुद्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है और लगातार क्वाड देशों के खिलाफ कुछ न कुछ कह रहा है। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर सिलवटें रहती हैं। दरअसल चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी रणनीति पे साजिश रच सकते हैं। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है और भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इस सकारात्मक दृष्टिकोण को भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के विस्तार के तौर पर देखता हूं, जो कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड समूह के पहले शिखर सम्मेलन में कहा कि गठबंधन विकसित हो चुका है और टीका, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में इसके एजेंडे में शामिल होने से वैश्विक भलाई का ताकत बनेगा। चार देशों के क्वाड समूह के डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए एकजुट है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि आज सम्मेलन दिखाता है कि क्वाड विकसित हो चुका है और यह अब इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर रहेगा। वहीं इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, हमारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून से संचालित होता है, हम अपनी सार्वभौमिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी दबाव से मुक्त हैं, लेकिन मैं हमारी संभावनाओं के बारे में आशावादी हूं। बाइडेन ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है और मैं आने वाले सालों में आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की सदस्य वाले क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित सस्ते टीके निर्यात करने में भारत की निर्माण क्षमता बढ़ाने के मुद्दे को अहमियत दिया गया।